के दौरान आपको शक करना है। क्या करना है? शक करना है। बोलो क्या करना है? शक करना है। पुलिस वाला क्या करता है? ए मोबाइल अंदर क्या करता है पुलिस वाला? शक करता है। जैसे ये दो भाई है, इनके घर में चोरी हुआ है, तो पहले घर वालों को शक होता है कि इनमें से कोई चोर तो नहीं है। कमलेश के ऊपर घर जाता है, कमलेश से बुलाएंगे, फिर उसके बाद उसको बुलाएंगे। जब नहीं लगता तो दूसरे पे शक करते, पड़ोसी को है ना, तो शक करते, तो शक के बिना, शक के आधार पर उसको गिरफ्तारी करते हैं। तो आप लोगों को शक करना है, शक करना है। ये नहीं कि शक शक गया और उसको इंजाम रख दिया, ये भी नहीं करना। इधर देखो आप वर्मा जी, सावधान, मिश्रा, अपने कर्तव्य के दौरान, अपने ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर या एसओ अपनी ड्यूटी पोस्ट नहीं छोड़ना है। जब तक आपका रिव्यूअर आता है आप अपनी ड्यूटी पोस्ट नहीं छोड़ना है। टावर के अंदर फालतू आदमी को प्रवेश नहीं देना है। जैसे ड्राइवर है वो आप उससे बात नहीं करना, उसका काम है अगर लिफ्ट से अगर मालिक या सेठ आता है उसका ब्याज या टिफिन लेके गाड़ी में रखना है, वहाँ जाके बैठना नहीं है और सुपरवाइजर से बात नहीं करना है। सुपरवाइजर भी इस बात का ध्यान रखे, कम से कम बैठना है। जो भी टावर के अधिकारी है, ऑफिसर है और जो ट्रेनर है, ये 11 बजे तक सब चले जाते। जाते किन जाते? कितने बजे तक? लास्ट बताओ। 11 बजे। उसके बाद किसका टाइम है? हमारा टाइम है कि हम अभी मालिक चले गए हैं, सेठ चले गए हैं, गए है ना। लेकिन नहीं, जाते बराबर अभी छोड़ूंगा तो बैठ जाएंगे, बैठते भी तो है ना, नीचे है ना, या तो लिखते बैठेंगे या तो किसी को रहेंगे, या तो फिर कैमरे तरफ भी ध्यान देते रहेंगे, या तो फिर एक तरफ भी ध्यान देते रहेंगे। ये नहीं कि चारों तरफ ध्यान दें। कौन बताएगा कि हम चश्मा क्यों लगाते? कौन बताएगा? सच बताएं। मैं बताता हूँ, बोलो। मैं बोलूँ सर? शाबाश, बजाओ ताली एक बार विकास के नाम। गुड। मैं चश्मा इसलिए लगाता हूँ कि मेरी आँखों की नज़र ऐसा ना करे कोई कि मेरे तरफ ही देख रहा हूँ, मैं चारों तरफ देखता हूँ, मेरी आंखें चारों तरफ जाना चाहिए, इसलिए मैं काला चश्मे का इस्तेमाल करता हूँ। आज से नहीं, कम से कम मैं 25 साल से मैं ये चश्मे का इस्तेमाल करता हूँ। कितने साल से? 25 साल से। गवर्नमेंट में था तब भी चश्मा पहनता था, और सिक्योरिटी में आया तब भी चश्मा लगाता हूँ। मैं जब भी परेड में जाता हूँ, मेरा वीडियो कभी भी देखना, मैं हमेशा तकरीबन चश्मे में रहूँगा, क्योंकि अगर चश्मा उतार के अगर मैं देखूँ तो मैं अगर उस तरफ देख रहा हूँ तो अंकित को पता लग जाएगा कि मेरे तरफ देख रहा है, उसको देख रहा है तो उसको पता लग जाएगा। लेकिन जब गॉगल लगाने के बाद हमारी आँखों को कोई नहीं देखे, हम सबको देखे, ये तो कुछ भी नहीं है। हम 100, 150, 200 आदमी का परेड कराता था मैं, समझे ना। तो बहुत बहुत लोगों की पैर उठाने का, खड़े रहने का, देखो हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आपको पैसे कमाना है और आपको इज्जत कमाना है, नाम कमाना है, तो आपको अनुशासन, डिसिप्लिन, विश्राम, सावधान, सलूक, ये आना चाहिए। इसके बाद आपको आपका टर्नआउट ढिलाई किया हो, प्रेस किया हो, सेफ्टी शू के ऊपर कपड़ा या पॉलिश किया, आपका लुक होना चाहिए। टर्नआउट के अंदर ही आपको आधी ड्यूटी मिल जाती, माफ़ हो जाती है। टर्नआउट पहन के आप बढ़िया सा खड़ा है तो